अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार अभी अभी दोस्तों हम घर आए हैं। आप लोगों को याद होगा हमने अपनी मुर्गी को जो है ना, चूज़े जो थे हमारे सील वाले, हमने अपनी सील मुर्गी के साथ छोड़ दिए थे, और जो उसके अंडे थे वो भाई हम ले आए अपने इस वाले घर में, और वो हम रख देंगे भाई इनक्यूबेटर के अंदर। जो अली भाई ने अच्छा सा आइडिया दिया था हमें, और उस मुर्गी के नीचे हमने तीन चूज़े भी रख दिए हैं, और जो ब्रायलर अंडे होते हैं ना वो हमने दो वो भी रख दिए उसके साथ। अंडे इंशाल्लाह दोस्तों हम इनक्यूबेटर में रख देंगे, और जो हमारी डक के जो अंडे पड़े हुए हैं वो सारे अंडे जो है ना इंशाल्लाह आज जो है ना इनक्यूबेटर को भी चला देंगे, और जितने भी अंडे हैं वो भी रख देंगे, नए पुराने जो भी हैं। तो यार ये इनक्यूबेटर दोस्तों यहाँ पे रख दिया। अब जो है जल्दी से अंडे कुछ ये पड़े हुए हैं भाई, ये पानी के लिए बर्तन भी हम ले आए हैं। अभी वो वाले अंडे नहीं लाए बत्तख वाले, वो नीचे ही ट्रिपल चूज़ा रहता है, वो भी लेके आना। चलो वो जल्दी से दोस्तों मैं ले आता हूँ। जहाँ दोस्तों ये एक अंडा इस शापर में था डक का, यार शापर में था अंडा निकल रहा यार। अच्छा वो पानी भर के लो, पानी भर के ले आते हैं और अंडे रखते हैं इसके अंदर। तो यार ये पानी के दोनों बर्तन भर के ले आऊँ? दोनों ये जल्दी जल्दी यार पानी। अच्छा यार पानी का सिस्टम दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आ जाता है यार। ये देखे टूटी के में से पानी आता रहता है, यहाँ से टूटी चला रही है भाई, पानी हमारा भर रहा है जल्दी जल्दी। चलो तो यार ये एक भर चुका है, अरे इसको उठाऊँ कैसे भाई बर्तन? ये देखो यार ये टूट ना जाए, इसको दोनों हाथों से लेके जाना पड़ेगा। तो अली भाई लेके जा रहे हैं बर्तन, इसके अलावा मैं ये दूसरा भी भर देता हूँ जल्दी, इससे शायद नमी पूरी हो जाए, अगर नहीं हुई तो और बर्तन रख देंगे फिर हम। चलो भाई भर जाओ। धूप यार बहुत तेज़ हो रही है यार, आज अभी भी देखे दोस्तों गुड्डे उड़ा रहे हैं, बाज ही नहीं आते यार। एक तो पाकिस्तानी वहाँ में मैंने तो छोड़ दी गुड्डेबाजी। ओए चलो अभी ये भी उठा लो यार, हमारी डव्स बेचारी यार इधर ही रहती हैं धूप में। आप लोग कहते होंगे यार क्यों रखा हो भाई, यार ये गर्मी का परिंदा है, मैंने इनको धूप में रखा हो, बल्कि मैंने खुद रखा है यहाँ पे, खुश रहती हैं। चलो यार पानी जो दोस्तों इनक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। अंडे नहीं इसमें? नहीं नहीं पहले पानी रख दो, फिर अंडे किस वो किस तरह उठाएंगे? यार हमने इसकी सफाई कर दी थी, वरना हमें सफाई करनी पड़ती तो और मेहनत लगती है यार। इसका टेम्परेचर वही वो तो ठीक है, पहले पानी रख दो ऊपर कर दो यार, कुछ ज़्यादा पानी कर दूँगा। सही है सही है, वो नमी पूरी रखनी है हमने। तो भाई पानी जो है हमने रख दिया है अंदर, ठीक है। इनक्यूबेटर भी चला के देखो यार चल रहा है, टेम्परेचर क्या है इस टाइम चल रहा है 28 और नमी 38 है। चल गया चल गया भाई चल गया, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। चलो सबसे पहले पहले ये कितने जल्दी जल्दी रखो, सात बाद में गिनते, पहले ये वाले रखो यार, इनको बहुत देर हो गई है। एलबी ने जो है ना अंडे रख रहे हैं, एलबी एक वो एक मिनट रुको यार, एक कैंडिंग तो करके देखें, कैंडिंग करके देखते हैं दोस्तों अंडे फर्टाइल है कि नहीं। तो यार अंडे माशाल्लाह दोस्तों फर्टाइल हैं, और एलबी जल्दी जल्दी अंडे रख रहे हैं भाई। तो यार ये सात अंडे थे, सात के सात अंडे हमने रख दिए हैं, तो ये वाले ठीक है। ये सारे दोस्तों लाल मुर्गी के हमारे, इसमें शायद एक दो अंडे जो है ना वो काली मुर्गी के भी हमारे, तो बाकी इनमें भी दो अंडे सील के हैं। अब इनमें से ये नहीं पता कि लाल के हैं कि काली के हैं। ठीक हो गया, दो कितने ये हो गए, आठ आठ और सात कितने हो गए भाई, 15 अंडे हो गए भाई। ये देखिए पिछली दफ़ा हमने यार कितने 13 अंडे रखे थे, और इस दफ़ा हम रख रहे हैं भाई 15। एक दफ़ा दोस्तों हमारी फिर ड्यूटी लग जाएगी, सुबह शाम इनको यहाँ पर आके अंडों को रोटेट करना है, तो इंशाल्लाह करेंगे इनको, और बच्चे इंशाल्लाह सारे निकले। यार जब बच्चे निकल जाते दोस्तों सबसे बड़ी टेंशन इनके पालने की होती है कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ना खाना पीना शुरू हो जाए, फिर इनकी ना टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन डक के जो बच्चे होते हैं उनकी टेंशन ही नहीं होती भाई, अंडे से निकलती खाना पीना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी टेंशन होती है सील मुर्गी, ये मुर्गियों के चूजे होते हैं ना इनकी, तो अभी इनको बंद कर दो यार जल्दी से। चलो दोस्तों इसको हम कर देते हैं बंद, और इसका टेम्परेचर खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा अंदर 41 नमी है, थोड़ी देर बाद आके देखेंगे ना, तो इसकी जो नमी है ना इंशाल्लाह आ जाएगी 60 70 के दिन हो जाएगी। तो हम फिर से जो है ना घर जा रहे हैं, अली भाई का दिल कर रहा है कि यार हम घर जाके देख के आते हैं भाई क्या सिस्टम चल रहा है। अभी घर जा रहे हैं, देखते हैं कि हमारी मुर्गी का चूजा ठीक है भी ठीक है, अली भाई को टेंशन लगी हुई है, और आज संडे है, आज हमारा दूसरा चक्कर लग रहा है भाई, देखते घर जाते हैं देखते भाई क्या होता है। आ चुके हैं, और हमारी सबसे पहले यार इस मुर्गी को देखते हैं भाई, इसके चूजे तो यहाँ पे से झांक रहे हैं भाई। अलवी इधर आओ, ये देखो इधर वो देखो पीछे से झांक रहे हैं, इनको आगे करो आगे करो। हाँ जी भाई इसको देखने तो पहले चूजे चूजे निकल आए भाई, चूजे जो है दोस्तों बाहर आए हुए, इधर आए हुए तीनों के तीनों, इधर है इनको उठा के जो है ना इनके आगे करते हैं भाई। इधर आओ भाई इधर आओ, चलो भाई भाई एक्सेप्ट कर लिया भाई इसने, देखें दोस्तों
अब नहीं मार रही है, उसे पता लग गया भाई ये हमारे चूजे। तो मुर्गी बाहर आ चुकी है भाई, चूजों को भी अब निकालते हैं हम बाहर। तो भाई ये बाहर आ चुके हैं दोस्तों, खाने पीने में लगे हैं ये चूजे, और मुर्गी भी अंधी अंदर देख रही है भाई मेरे अंडे। तो अंडे जो है दोस्तों मैंने उठा के यहाँ रख लिए, ब्रायलर अंडे आप लोगों को पता ही है। चलो हमने इसको उठा के ना घर ले जाएंगे, पहले इसके अंडे सारे मैंने बाहर निकाल लिए। दोस्तों मुर्गी के चूजे जो हैं इसी मुर्गी के साथ ही घूम रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि भाई इस तीनों चूजे जो है ना इस मुर्गी के अपने चूजे हैं। तो मुर्गी को चाहिए भाई इनको जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर ले, कर ही लिया है ना अभी, तभी जो है ना अब ये पहले तो हल्का हल्का तो था ना, यूं यूं कर रही थी, अब वो भी नहीं कर रही। तो मुर्गी जो जब खाना खाती है ना चूजे दोस्तों उसके पास चले जाते हैं वो देखे खाने के लिए उसके साथ साथ क्या देंगे, और मुर्गी इनको कुछ भी नहीं कह रही भाई। दोस्तों हम इसकी जो जाली है ना ये उतार लेते हैं, और मट्टी जो है वो अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि चूजे जो है बाहर नहीं आ पाएंगे इससे, मोटे मोटे बाहर जाएंगे। हाँ तो इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि चूजों को जब बाहर आना होगा बाहर आ जाएंगे, अंदर जाना होगा तो अंदर ठीक होगा। मुर्गी ने भाई एक्सेप्ट कर लिया माशाल्लाह, और अब जो है ना चूजे भी मुझे लगता है अभी तो क्या जब खाना खिलाती है ना मुर्गी इनको तो अभी चूजे कहीं और होते हैं मुर्गी कहीं और होती है, ऐसा ऐसा जब इनकी आदत बन जाएगी ना तो फिर ये मुर्गी खुद इनको बुलाएगी, अभी जब रात होगी ना ठंड लगेगी खुद ब खुद मुर्गी के अंदर के चले जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पे एक घंटे से बैठे हुए और फाइनली माशाल्लाह मुर्गी ने जो है ना मुर्गी बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया, और बच्चे जो है ना अब इसके नीचे चले गए हैं ये देखें कुछ, यहाँ पे एक बच्चा यहाँ से जाकर है बाकी दो इसके नीचे हैं। मुर्गी तो अब इसको बिल्कुल भी नहीं मार रही, पहले लड़की जो चोंच मार रही थी अब वो भी नहीं मार रही। तो बाकी ये जो अंडे हैं ये हम घर ले जाएंगे, इनको हम भाई फ्राई करके खाएंगे, 25 रुपये का अंडा हो गया यार आजकल भी, तो खैर अब इसको यहीं रहने देते हैं, अब ये टेंशन हमारी दूर हो गई। The next day. दोस्तों अगला दिन शुरू हो गया और हम घर आए, माशाल्लाह मुर्गी ने आज चूजों को मुकम्मल तौर पे 100% एक्सेप्ट कर लिया है, और मुर्गी के चूजे अभी उसके नीचे बैठे हुए थे यार, ये पकड़ो यार दोस्तों ये मेरे हाथ में रोटी है, देखिए मैं इसको डालूंगा मुर्गी कैसे चूजों को बुलाएगी, चूजों को बुला रही है मुर्गी माशाल्लाह यार क्या बात है यार माशाल्लाह यार, ये देखे चूजे भी इसके पास आ रहे हैं। तो भाई हमारा जो मिशन था अली भाई का जो वो था ना प्लान, अली क्या जबरदस्त आपने वो किया है। अच्छा यार काफी भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे भाई आप मुर्गी को चूजों के साथ ना छोड़ें वरना ये अपने सारे अंडे जो है ना छोड़ देगी, तो यार आप लोगों को बताऊं यार परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमने अंडे खुद उठा लिए भाई इसके, अब इसके नीचे कोई अंडा नहीं है आप लोग देख सकते हैं, और पहले भी आपको इसी वीडियो में मैंने दिखाया कि भाई अंडे मैंने उठा लिए, ब्रायलर अंडे रख दिए थे, और जो वो वाले इसके अपने अंडे जो थे ना जो इसके अंडों के ऊपर ही बैठी हुई थी भाई वो हमने रख दिए इनक्यूबेटर के अंदर, और हमने जो अच्छा काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी मैंने इसके जवाब दे दें वो समझ रहे कि अंडे भी इसके साथ रहेगी तो मुर्गी अंडों को छोड़ देगी, अंडे हमने इनक्यूबेटर में रख अंडे भाई हमने इनक्यूबेटर में रख दिए हैं, और सिर्फ इसके साथ 3 चूजे हैं, अभी इन्हीं की केयर करेगी यार हमारी परेशानी दूर होगी, काश के अभी ये पहले कुड़क हो जाती वो जो बेचारे बच्चे मर गए ना वो भी यार इसके साथ तंदुरुस्त होते एक्टिव होते हैं। खैर ये तो हमारी आप हमारी कुड़क वाली मुर्गी हमारी कंप्लीट हो गई है, इतनी जल्दी बच्चे निकले, और मजे की बात सबसे अच्छी ये है कि भाई बच्चे भी इसके अपने हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ देर से भी नहीं बैठना पड़ा, और सबसे अच्छी बात कि भाई चूजे ही इसके अपने जाती चूजे हैं भाई, ये इसकी मुझे बड़ी खुशी है यार। तो बाकी देखे दोस्तों मुर्गी साथ साथ घूम रही है अपने बच्चों को भी खिला रही है, अब हम इसके बच्चे कहा करेंगे देखें भाई माशाल्लाह ये तो ज़बरदस्त सीन हो गया। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों का हमारा प्लान कैसा लगा भाई, परेशान होने की वजह से कोई बात नहीं है। तो अली भाई जो है इनको दाना डाल रहे हैं ये देखिए भाई माशाल्लाह दोस्तों क्या ज़बरदस्त सीन है भाई, तो यार इस मुर्गी पे भाई हमें अब नाज हो गया, ये हमारी बड़ी फेवरेट मुर्गी है, इसको हम सेटअप जैसे कभी भी नहीं उठाएंगे, जिएगी हमारे पास मरेगी हमारे पास इंशाल्लाह। तो बाकी यार जो लाल मुर्गी है ना उसको शायद हम सेटअप से हटा लें, तो क्या दोस्तों काफ़ी भाई कह रहे थे भाई वो बूढ़ी मुर्गी हो चुकी है जिसकी वजह से वो अंडे भी कम देती है और वो कुड़क भी नहीं हो रही है, अभी ये बात मुझे ठीक लग रही है, तो या तो दोस्तों हम उसको किसी को दे देंगे वो मुर्गी और उसकी जगह ना हम कोई न्यू मुर्गी ले आएंगे कोई अच्छी सी, या तो ब्लैक कलर की लाएंगे या जो भी, हाँ या तो कोई अलबी अलबी यार मैं तो सोच रहा हूँ कोई गंजी शंजी मुर्गी ना लेके आए यार, नहीं
चले रहने देते, देखेंगे क्या। खैर नहीं देसी थी। खैर दोस्तों इसी के साथ सीट में यही पहन करते हैं कि वीडियो पसंद आई लाइक आज भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब आज भी कर दीजिएगा। और बताइएगा यार हमारा ये जो प्लान था आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग भी परेशान हो गए लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, अंडे भी महफूज हो गए, चूज़े भी महफूज हो गए और मुर्गी को भी जो है ना आज़ादी मिल चुकी है। खैर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यार अलवी इन चूज़ों को मैं कह रहा हूँ अब ना इनको बंद कर दो, अब दूसरी मुर्गियों को खोलते हैं क्योंकि यार वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। आओ यार इसको बंद कर देते हैं, चलो आ जाओ भाई, चलो चलो चलो, चलो।